हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल नारियल की पिंजरी। फ्रेंड्स, हम हर साल यूजुअली से तो बनाते ही हैं, तो सोचा इस साल इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को इसका भोग ज़रूर लगाएं। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के नारियल को हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे हमने 10 से 12 बादाम लिए हैं। यहाँ पे हमने खरबूजे के बीज लिए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गोंद ली है और थोड़ी सी ही यहाँ पे हमने खसखस ली है। अब हम लेंगे कढ़ाई या पैन और उसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा यानी कि ग्रेटेड नारियल। फ्रेंड्स, हमने अपनी कद्दूकस की से बारीक वाली साइड से घिसा है। फ्रेंड्स, हमें इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में इसे चलाते हुए भूनना है। इसे भूनने के लिए हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस सिंपली हमें कढ़ाई में अपने नारियल को जो हमने घिस रखा था उसे ऐड कर देना है बिना घी या कुछ भी डाले। फ्रेंड्स, हमें इसमें कलर इसका चेंज नहीं करना है, बस इसे चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे 4 से 5 मिनट बाद। फ्रेंड्स, अब हम भूनेंगे अपने इस गोंद को। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोंद लिया हुआ था। आप चाहे तो इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब पंजीरी हम बनाते हैं तो पंजीरी में गोंद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे चलाते हुए ही भूनेंगे और थोड़ी ही देर में हमारी जो गोंद होगी वो फूलने लगेगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सभी गोंद फूल गई हैं। गोंद को हम एक प्लेट में निकाल के अब हम इसमें डालेंगे तरबूजे के बीज, जिसे मगज के बीज भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं, जिसे हम मींगे कहते हैं। फ्रेंड्स, अपने जो हमने बीज अभी रोस्ट करे थे ना, उसे हम अलग प्लेट में रख देंगे और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे अपने बादाम। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून यहाँ पर हमने खसखस ली है। खसखस को भी हम चलाते हुए भून लेंगे। ऐसा करने से हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स का पंजीरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी खसखस का कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे अपने ग्रेटेड नारियल में, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले रोस्ट करा था थोड़ा सा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपने बीजों को अलग रख लिया है और गोंद को बादाम को अलग रख लिया है। अब हम एक लेंगे कढ़ाई और उसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी भर के चीनी और 1 कटोरी पानी, क्योंकि हमें इसकी तैयार करनी है चाशनी।
यानी जो नॉर्मल कटोरी होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं, हमने वही वाली दो कटोरी इसमें चीनी ऐड करी है और एक कटोरी हमने इसमें पानी ऐड करना है। जितनी हम चीनी डालने हैं उसका एक गुना ही हमने इसमें पानी डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। फ्रेंड्स, जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, जब तक हम अपने गोंद को और अपने बादाम को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें डाल देंगे दो इलायची। फ्रेंड्स, हमें इसमें इलायची को उसका कवर हटा के ऐड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। हमें इसे ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड ही करना है। और जब ग्राइंड हो जाएगा तब हमें इसमें डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मगज के दाने। थोड़े हम इसमें डाल देंगे और थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और फ्रेंड्स, फिर साफ़ हाथों से हम इसे मिलाएंगे क्योंकि ये व्रत के लिए ही बन रहा है। फ्रेंड्स, अभी हमारी चाशनी लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में और पकेगी, तब तक हम अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम ग्रीस करेंगे देसी घी के साथ। अब हमने यहाँ पर एक थाली ली है, उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच देसी घी। और फ्रेंड्स, फिर साफ़ हाथों से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो पूरी तरीके से अच्छे से बन चुकी है। फ्रेंड्स, हमें अपनी चाशनी को एक तार आने तक पकाना है, फिर हम साफ हाथों से चेक करेंगे कि इसमें एक तार बन रहा है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तार बन रहा है। इंडिकेशन है कि हमारी चाशनी पिंजरी के लिए बिल्कुल तैयार है। हम वही कढ़ाई में जिसमें चाशनी थी उसमें धीरे धीरे करते ही ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, जिसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट्स और मगज के दाने मिक्स कर लिए थे। फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, नारियल का बुरादा इसमें डालते ही इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लग गई है। फ्रेंड्स, इसमें हमें एक चीज इंश्योर करनी है कि जब हमारा एक तार आने लगेगा तभी इसमें हमने इसमें अपना ग्रेटेड नारियल ऐड कर देना है। अगर इसमें ज़्यादा तार आने लगेंगे तो ये बिखर जाएगी। तो फ्रेंड्स, डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स, हम इसे गरम ही थाली में सेट करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए जिस तरीके से वीडियो में दिखाया है, आप भी इसी मेथड को यूज़ करके अपनी पिंजरी को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भी इसे बहुत ही इजीली बना के तैयार कर लेंगे। बस हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वही वाली बात कि जब एक तार आने लगेगा तभी हमने इसमें ग्रेटेड अपना नारियल ऐड करना है। ज़्यादा तार नहीं आने चाहिए, इससे बिखर सकती है। फ्रेंड्स, देखिए 5 से 7 मिनट बाद हमने देखा कि इसमें हल्के हल्के जमने लगी है, पूरी तरीके से अभी ये नहीं जमी है। तो एक नाइफ की हेल्प से हम इसमें कट के निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे ऐसी बाहर रख के जमाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटे बाद हमारी जो पिंजरी है वो अच्छे से जम चुकी है। ये आसानी से निकल जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी थाली को डायरेक्टली गैस का फ्लेम ऑन करके इसे इस तरीके से घुमा देंगे तो ये इजीली निकल जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको निकाल के भी दिखाते हैं। हम पहले नाइफ से इसके साइड्स को कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से निकल गई। ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, हमने इसे कर दिया है सर्व और गार्निश कर दिया है कुछ मगज के बीजों के साथ। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपनी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस जन्माष्टमी में।